क्लास 9 इंग्लिश में बिहाइव बुक से आप पढ़ रही रहे हैं लेसन 8। उसमें जो पार्ट 2 है मारिया शारापोवा, उसका अध्ययन करेंगे। ये मशहूर टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा विंबलडन टेनिस प्लेयर है। ये इन्होंने विश्व में अपना स्थान बनाया है, शीर्ष स्थान बनाया है, और वह एकमात्र 18 वर्ष की उम्र से उन्हें अपना कैरियर शुरू किया है। अपनी कम उम्र में साइबेरिया में उनका जन्म हुआ और टीनेजर 4 वर्ष में ही पेशेवर खिलाड़ी के शिखर पर पहुंची। आइए जो ये जो मशहूर टेनिस प्लेयर है वो क्या कहती हैं, उनके क्या विचार हैं, बच्चों आप लोग भी सुने कि इस गतिरोध की बजाय मुझे ये बहुत कमजोर बनाता है कि मैं शांति से दृढ़ निश्चय और पक्की बनी। मैंने अपने आप की देखभाल करना सीखा। मैंने कभी भी इसको छोड़ने का विचार नहीं किया क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती हूँ। जब तुम शून्य से आते हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हें दृढ़ निश्चय चीज बनाती है। मैंने बहुत अवमानना अपमान को भी सहा है ताकि मैं अपने लक्ष्य पर स्थिर रह सकूँ। उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था कि वो बचपन में ही उन्हें उनके जो सीनियर्स थे वो उन्हें परेशान करते थे, तो इसके हिसाब से वो उन्होंने अपना विचार बदला। उन्होंने विंबलडन में 2004 में वुमेन सिंगल का जो क्राउन है वो ने देश को दिलवाया। उनकी सफलता और प्रतिभा ने, एक अक्षुण इच्छा ने, उनकी बलिदान की तैयारी ने उन्हें संसार के शीर्ष स्थान पर बैठा दिया है। शायद कुछ लोग ही उनकी संपन्नता के विरुद्ध आज शिकायत कर रहे थे, और वह जो कहना चाहती थी कि टेनिस का जो लाभ उठा रहा है यह है कि निश्चित ही धन प्रेरक तत्व है। टेनिस एक व्यवसाय का खेल दोनों है, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार में प्रथम स्थान पर रहना, यही मेरा सपना है जो मुझे गतिशील रखता है। और एक Why was Maria sent to the United States? Maria was sent to the United States to become a tennis star. वह टेनिस स्टार बनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, Why didn't her mother go with her? Answer: Her mother didn't go with her due to visa restrictions. Visa प्रतिबंधों के कारण उन्हें वहां रहना पड़ा। Question number 3, What are her hobbies? What does she like? क्या-क्या शौक थे? Fashioning, singing and dancing are her hobbies. And she likes them, वो सारी चीजों को पसंद करती थी। What motivates her to keep going? Answer: Becoming number one in the world is the most important thing that keeps her going. Money is another motivation. जो पैसा है वो भी एक दूसरा माध्यम था उनको मोटिवेट करने का, इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया और अच्छे से खेला। फर्स्ट है ATTIRE, अटायर मीन्स होता है परिधान या पोशाक। सेकेंड है TEENAGER, टीनएजर। टीनएजर मतलब होता है 13 से 19 वर्ष, ठीक है ना, 13 से 19 वर्ष जो है उसकी उम्र के बीच को टीनेजर एज कहा जाता है। नेक्स्ट है ASCENT, मींस होता है एसेंट। एसेंट मतलब होता है उत्थान। नेक्स्ट है GRUDGE, मींस होता है ग्रज। ग्रज मतलब होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना या शिकायत, ठीक। नेक्स्ट है MOTIVATION, मोटिवेशन मींस इंस्पायरिंग या प्रेरक, किसी को उत्साहित करना। नेक्स्ट है LAUNCH, मतलब होता है लॉन्च करना, किसी नए कार्य को प्रारंभ करना, किसी नए कार्य का प्रारंभ।
ग्लैमरस, GLAMOUROUS मीन्स होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मीनिंग हुए। आपको होमवर्क है, रीड द लेसन केयरफुली। आप बुक खोलेंगे और लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे। आप एक एक स्पेलिंग आपको बनती नहीं है तो भी आप पढ़ के कोशिश करेंगे कि आप उसको पढ़ सको। राइट द लेसन इन योर नोटबुक। आपको लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो नोटबुक में लिखना है। लर्न इंग्लिश एंड प्रैक्टिस एंड स्पेलिंग ऑल्सो। आपको वो स्पेलिंग जरूर से देखना है ताकि आपसे इंग्लिश विषय अच्छे से बने। थैंक यू।